Hello and very good evening everyone. Good evening and once again welcome to SKC Live. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. चलिए जल्दी जल्दी से सभी को ज्वाइन करने थे, फटाफट से हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ओके 10 पीएम अपडेट्स जल्द आ रहा है अपने इस यूट्यूब चैनल पे SKC Live पे. कुछ प्लान कर रहा हूं और जाहिर सी बात है कि ये प्लानिंग आप सबके लिए है और कुछ बेहतरीन सा प्लानिंग है. हाँ, कुछ अच्छा सा हम लोग करने वाले हैं. तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूं और बाकी जो भी बातें हैं इसके बारे में आपको विस्तार से बात करूंगा क्लास के अंदर कर रहा हूं मैं. तो सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए. हाँ, अभी क्या है इसको आने वाले समय में हम लोग देखेंगे. तो अभी थोड़ा सा इसको रिवील नहीं करते हैं, आगे आप सबके साथ इसे रिवील करेंगे. शानदार है बस इतना समझ लो. अगर इसके ऊपर लिखना हो कि क्या है तो मैं एक वर्ड लिख देता हूं, कुछ बेहतरीन है. बेहतरीन है कुछ, ठीक है. तो हम लोग इस पे देखने वाले कि क्या है और फिलहाल सेशन की शुरुआत करेंगे. स्टूडेंट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, बहुत बहुत स्वागत है. और मिडिवल हिस्ट्री के सीरीज में हम सब है. कल हम लोगों ने इसमें लगभग 50 या 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था. जहां तक सवाल कंप्लीट किए थे हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं. ओके, और जितने भी बच्चे जुड़ पाए हैं बहुत बहुत स्वागत है सभी का. जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से कुछ चलिए. इसमें मिडिवल हिस्ट्री के सीरीज में अब तक हम लोगों ने इसमें 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था यहां से लेकर के. और अभी हम लोग हैं मिडिवल हिस्ट्री के ओवरऑल मिक्स क्वेश्चंस को देख रहे हैं. हाँ, और ये 41 नंबर क्वेश्चन है. अगले कुछ ही मिनटों में इन सभी सवालों को आप लोग देखते हैं. चलिए क्या लिख रहे हैं कि अच्छा ये वाली जो क्लासेस होगी 10 बजे वाली वो कहां पे होगा. सी लिख रहे हैं. बताओ क्लास स्टार्ट हुआ नहीं कि ऐड बनाए, ऐड आ गया है. ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, यही तो हो रहा है देश में. लोग आजकल टीम बना रहे ड्रीम इलेवन पे. चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, इसे जल्दी से देखें और बनाने का प्रयास करिए. ओके, इसमें पहला सवाल था कि दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें. 1329-30 मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन को प्रारंभ किया था. मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अलग कृषि विभाग जिसको कहते थे दीवान ए कोही बनाया था. और तीसरा सवाल है कि 1398 में तैमूर ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला करते हुए उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था. इसमें सही उत्तर की पहचान करनी थी और बताना था कि सही उत्तर क्या है. बहुत अच्छा स्टूडेंट, सी इज राइट आंसर. केवल पहला और दूसरा सेंटेंस सही है ना. तैमूर ने जब भारत पे आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक शासक नहीं थे, बल्कि उस समय जो भारत के शासक थे स्टूडेंट उनका नाम था महमूद शाह तुगलक. और इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है. मेहरौली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक जलाशय जिसे हौज ए शमसी में जल मुर्गी के नाम से लोकप्रिय हिमालयी जल पक्षी का सुखद आगमन देखा जा रहा है,
यह हौज शमसी किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है इसमें। और सवाल है कि ये हौज ए शमसी वो जो जलाशय है उसका निर्माण किसके द्वारा करा गया है? जल्दी से आंसर करिएगा। हाँ बहुत बेहतरीन एंड राइट आंसर जो ऑब्वियसली शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इट वाज वेल डन 1230 ईस्वी बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करिए। शंकर ने 9वीं शताब्दी में हिंदू धर्म को एक नई दिशा देते हुए हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन शुरू किया था। अद्वैतवाद और अद्वैतवाद का शंकर सिद्धांत आम आदमी पर बहुत आकर्षित होता है। यहाँ पे शंकराचार्य की बात की जा रही है। और उसके बाद है कि रामानंद अपने विचारों का प्रसार प्रसार के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हुए थे। एंड नेक्स्ट है कि रामानंद ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और जाति की उपेक्षा करके समाज के सभी वर्गों से अपने शिष्यों को चुना था। सही कथन क्या है यह बताना है। अच्छा कौन सा गलत कथन है इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या उसको बताना है। अच्छा इसमें दूसरा सेंटेंस गलत है। हाँ दूसरा सेंटेंस बिल्कुल गलत है। और यहां पे अद्वैतवाद या अद्वैतवाद का बहुत आकर्षित करता था ये सिद्धांत गलत है। इससे आकर्षित नहीं होते थे। बी इज इनकरेक्ट। आगे देखोगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बाबर ने अपने प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। मनसबदारी व्यवस्था के तहत बहुत अधिकारी को एक रैंक मनसब के रूप में चिन्हित किया गया था। बाबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता। सही कथन की पहचान करें। बाबर ने इन तीनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद देखिए सही उत्तर क्या होगा। बफरिंग हो रहा है क्या? मैं देख रहा हूं कुछ कुछ क्लासेस में बहुत शिकायतें हैं। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही लिखा गया है। अश्विन इसमें सही कथन केवल एक है वो है दूसरा सेंटेंस। मनसबदारी प्रणाली को अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था वो तो पहला सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा है कि बाबर की भू राजस्व प्रणाली जब्ती या बंदोबस्त कहलाता था उसमें ये गलत हो जाएगा। और जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली जो था अकबर का भू राजस्व प्रणाली का दोनों जगह अकबर होगा तब जाकर के सही हो जाएगा। एंड इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसमें केवल एक सेंटेंस सही था वो है दूसरा सेंटेंस। मध्यकालीन भारत में कर्मशः सीखदार और तरकुल पदनामों का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? वर्ड सीखदार और करकुल पदनाम जो वर्ड जो थे किसके रिस्पेक्ट में यूज किए जाते थे? लेखाकार लोग होते थे ये सैन्य अधिकारी लेखाकार अधिकारी भूमि राजस्व अधिकारी कौन होते थे? इतनी ठंडी है मतलब पांव का जो सूज के अंदर लग रहा है कि कोई बर्फ पे पाव रखा इतनी ठंडी बताओ। तो मैं कुछ तो कर सकता हूं। ओके चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट। एंड राइट आंसर इज ऑब्वियसली ए इज करेक्ट। जो मिलिट्री ऑफिसर और अकाउंटेंट्स होते थे स्टूडेंट उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में गुर्जर सामान्यता कौन होते थे? खानाबदोश पशुपालक योद्धा बुनकर व्यापारी। गुर्जर गुर्जर एक प्रजाति भी है इसमें और एक समूह है समुदाय है कम्युनिटी है ये होते कौन थे किनके लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता? सूज पहन के बैठा हूं स्पेशली क्योंकि यूजुअली हम लोग सूज नहीं बल्कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करता हूं खाली पांव रहना बट इतनी ठंडी है कुछ कोई नहीं। अच्छा लैपटॉप को मैं बेड पे ले जाऊं तो मैं क्लास हो सकता है ऐसा नहीं है। मैं तो काफी काम भी करता हूँ देर तक तो लैपटॉप घुमा लेता हूँ तो उसको बेड पे ले जाता हूँ फिर वहीं से करता हूँ। और कल इसी चक्कर में आप लोग देखे होंगे कि सुबह का जो क्लास था उसमें आवाज नहीं आ रहा था ना नहीं आ रही थी ना सुबह की करंट अफेयर्स में
एक्चुअली हुआ क्या था ना कि मेरा जो वॉइस रिकॉर्डर है कैमरा और उसमें जो रिकॉर्डिंग होता है वॉइस, एक्चुअली वो कैमरा मैंने खोल के लैपटॉप से हटा दिया था, लैपटॉप लेकर के वहीं से रिकॉर्डिंग कर लिया था मैंने, तो पता चला कि मेरी आवाज भी उसमें नहीं आई, मैंने अपलोड कर दिया। अगले दिन आप लोग जब कमेंट कर रहे हो सुबह सुबह किसी बच्चे ने दिखा सर आवाज नहीं आ रही, मैं भी जाकर सुन रहा था मैं आवाज नहीं आ रही है, बट कोई नहीं एक दिन ऐसा होगा आगे नहीं होगा। कौन सा अभिलेख या शिलालेख है गुप्त काल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम लोग किससे जानकारी प्राप्त करते हैं? कितने लोगों को लगा होगा सुबह सुबह मोबाइल की खराब नहीं ना हो, मैक्सिमम लोगों को लगा होगा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का वो क्लास है, बट कोई नहीं जल्दी से देखेंगे इसमें सही उत्तर क्या है। बहुत बेहतर है, इसमें दो सही है, हाँ मेहरौली और इलाहाबाद स्तंभ, ये दोनों सही है, बाकी दूसरा गलत है। बी इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट है पाल राजवंश के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही नहीं है? गोविंदा पाल इस वंश के संस्थापक थे, बस यही कथन हो गया गलत, गोपाल इस वंश के संस्थापक थे, बाकी सारे सेंटेंस जो वो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कथनों पर विचार करिए, विजयनगर साम्राज्य राजा हरिहर तथा प्रथम अंतिम और श्रीरंगा तृतीय शासक हुए, प्रांतीय शासन के क्षेत्र में नयनकार प्रणाली एक विशिष्ट विशेषता थी, बड़ी संख्या में महिलाएं प्रशासन में होती थी, सही कथन को पहचानिए। ये प्रश्न रिपीटेड है बट आपकी आदाश को चेक करने के लिए काफी है, ये तीनों सेंटेंस जो उसमें पूरी तरह से सही लिखे गए हैं, एंड राइट आंसर जो ऑब्वियसली सी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अद्वितीय प्रकार की भूमि वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था इकतादारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इकता प्रदान करने का तात्पर्य भूमि पर अधिकार से है, इकता हस्तांतरणीय था। दूसरा सेंटेंस तो बिल्कुल सही है ना, इकता जो था वो ट्रांसफरेबल था लेकिन भूमि पर अधिकार नहीं होता था, भूमि पे केवल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होता था, केवल प्रशासनिक अधिकार होता था। हाँ जी बहुत बेहतर, हाँ बीज राइट आंसर। मध्यकालीन भारत के बारे में कथनों पर विचार करिए, इस युग में अरब शासकों द्वारा भारतीय वस्तुओं की मांग के कारण भारत के साथ उनके व्यापार में वृद्धि हुई, इस युग में धर्म शास्त्रों द्वारा समुद्री यात्रा पर प्रतिबंध लगाने से भारत के विदेशी व्यापार में गिरावट आई थी, सही क्या है? इसमें से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही लिखे गए हैं इसको बताना है। बहुत अच्छा, इसमें पहला सेंटेंस जो बिल्कुल सही लिखा गया है, दूसरा सेंटेंस जो है टोटली इनकरेक्ट गलत। अब क्या है हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, काकतीय वंश के प्रारंभिक शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत हुए, काकतीय राजवंश काल के दौरान एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति ऊपरी इलाकों में सिंचाई के लिए जलाशयों का निर्माण करना था, और काकतीय साम्राज्य इटालियन यात्री मार्को पोलो के नोट्स में प्रकट होता, मतलब मार्को पोलो ने उनके बारे में चर्चाएं की हैं, सही उत्तर की पहचान करिए। कौन सा कथन सही लिखा गया, सब काकतीय वंश के बारे में है, उसमें सही जानकारी है कि अप्रोक्त तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, एंड एज पर द ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट, तीनों पैर बिल्कुल सही है। कथन विजयनगर साम्राज्य के बारे में सही क्या है, हम्पी खंडहर विजयनगर शासकों के सांस्कृतिक योगदान की जानकारी प्रदान करता है, देवराय द्वितीय के श्री रंगम ताम्रपत्र जैसे ताम्रपत्र शिलालेख विजयनगर शासकों की वंशावली और उपलब्धियों को प्रदान करता है, देवराय द्वितीय का जो श्री रंगम ताम्रपत्र जैसे ताम्रपत्र जो है शिलालेख विजयनगर साम्राज्य की वंशावली बताता है, मतलब कौन कौन से शासक कब कब हुए, सही उत्तर की पहचान करिए। गलत हो रहा है तो सर क्यों पीट रहे हो भाई, अगर नहीं पढ़े तो गलत ही होगा ना, और गलत होना कहां पे लिखा हुआ कि बहुत बड़ा पाप है, गलत होना अच्छी बात है क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान गलत होगा ही होगा,
बुरी बात यह है कि उस गलती से आप अगर नहीं सीखते हैं सही कथन में बोथ आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही लिखे गए हैं। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान कुमारत्व और आयुक्तों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गुप्त काल के दौरान कुमारमात्य और आयुक्तों के बारे में कौन बतलाता है सही से? राजा द्वारा नियुक्त प्रांतीय गवर्नर थे, गांव जिला स्तर पर मुखिया थे, या फिर राजा की सहायता और सलाह के लिए सैन्य अधिकारी थे? कुमारमात्य और आयुक्त जो होते थे वो प्रांतीय प्रशासन के साथ निकट संपर्क बनाए रखने के लिए अधिकारी का एक वर्ग होता था जो अलग अलग क्षेत्रों में संपर्क साधते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान घोरा और सनम का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि घोरा और सनम क्या था? हल्के संगीत के प्रकार थे, राग था, कविता संग्रह था, फारसी उपन्यास था। बहुत अच्छा, उसमें घोरा क्या था तो यह एक राग था, दे वर टाइप ऑफ राग, एक प्रकार का राग था घोरा और सनम। हाँ, एंड इसको विकसित करने का कार्य जो था उसमें वो अमीर खुसरो ने किया था, अमीर खुसरो द्वारा इंट्रोड्यूस था, विकसित था। और इसमें एक और जानकारी रखना है कि देखो अमीर खुसरो के बारे में इसमें एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि कवाली आप लोग सुनते होंगे, कई लोगों को पसंद है, जैसे है ना कवाली। हाँ, कवाली जो है एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है, जिसमें हिंदी और इटालियन का मिक्सचर है, इटालियन दोनों शैलियों का मिक्सअप है। तो उसकी भी शुरुआत माना जाता है कि खुसरो के द्वारा ही किया गया था, उसकी भी जानकारियां रखें। हमें गजल बहुत पसंद है, तो गजल के बारे में तो अभी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे सवाल होगा, सेठ बोहरा और बंजारो को किस नाम से जाना जाता था? ये क्या होते थे? व्यापारी वर्ग था, किसान कृषि किसान थे, जमींदार और राजस्व अधिकारी, ग्राम प्रधान, ये कौन थे? इन सबके बारे में बता। बहुत अच्छा, उसमें व्यापारियों को इन नामों से जाना जाता था। हाँ, अलग अलग व्यापारियों को। नेक्स्ट है, चित्रकला की कला में मुगलों का योगदान उल्लेखनीय था, मुगल चित्रकला के संबंध में कथनों पर विचार करें। मुगल चित्रकला की नींव बाबर ने रखी थी, सबसे महत्वपूर्ण कृति हमजनामा जिसमें 1200 पेंटिंग शामिल है। जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला अपने चरमों उत्कर्ष पर पहुंचा था। बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है? सही कथन को पहचानिए, आइडेंटिफाई करें इसमें से सही क्या है। बहुत अच्छा, देखिए इसमें असेसमेंट जो सही कथन है वो है दोनों, बी एंड टू और थ्री, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। पहला सेंटेंस जो इसमें गलत हो जाएगा। हाँ, मुगल चित्रकला की नींव बाबर ने नहीं रखा था, बल्कि हुमायूं ने इसकी नींव रखी थी, हुमायूं को इसका श्रेय जाता है। तो ये पहली जानकारी गलत थी। मध्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्रणाली और दहशाला प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता था? इसे किसने शुरू किया था, दहशाला और बंदोबस्त प्रणाली, उस शासक का नाम बताइए। बहुत बेहतर, उसमें अकबर एंड टोडरमल। हाँ, दहशाला और बंदोबस्त प्रणाली जो था इसकी शुरुआत अकबर टोडरमल ने दहशाला सिस्टम को भूमि मापन के लिए इसमें इसकी शुरुआत करी थी।
दिल्ली सल्तनत के दौरान पदनाम मुकदम या चौधरी किसके लिए इस्तेमाल किए जाते थे? द वर्ड मुकदम या चौधरी किसके लिए प्रयोग किए जाते थे, किसके लिए शब्द थे? दिल्ली सल्तनत ए रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे, विलेज अकाउंटेंट होते थे, विलेज हेडमैन, क्लर्क हेरिटेज मर्चेंट्स होते थे। बहुत बेहतर एंड सही उत्तर होगा। आई थिंक ये प्रश्न आप लोग पहले बनाए थे, फिर पता नहीं क्यों गलत कर दिए। तो फिर ग्राम प्रधान होते थे, हाँ पहले भी ये सवाल को आप लोग बनाए हैं, लाइक अ मुखिया, जैसे ग्राम के हेड होते थे। तो बी सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में सर ए नौबत और वकन विस पदनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इन शब्दों का प्रयोग जो था मध्यकालीन भारत में प्रयोग किया जाता था सर ए नौबत और वकन विस। सर ए नौबत का मतलब होता था सैन्य कमांडर, चीफ आर्मी कमांडर, और खुफिया एजेंसी को कहते थे वकन विस। बताओ यहां तक चीज स्पष्ट है? और दूसरी जानकारी रखेंगे, दूसरा अगला सवाल है। अभी हम लोगों ने इसमें कितना 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ओके आगे सवाल देखोगे, अगर आप में से किसी ने भी कोई क्लास अगर मिस किया होगा तो डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दिस सेशन। आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, जाकर के प्लेलिस्ट में देखना, सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला के संबंध में कथनों पर विचार करें और बताएं कि क्या सही है। विजयनगर साम्राज्य वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं, मंदिर परिसर में ऊंचे राय गोपुरम या प्रवेश द्वार और नक्काशीदार स्तंभों के साथ कल्याण मंडपम का निर्माण था, मतलब ऐसा होता था विजयनगर साम्राज्य में। ये बात है कि खंभों में पाया जाने वाला सबसे आम जानवर हाथी होता था। तो उत्तर का पहचान करिए। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों के खंभों में किस जानवर को, हाथी को ही उकेरा जाता था क्या? इसमें केवल पहला सेंटेंस सही है। हाँ यहां पे हाथी नहीं होगा, यहां पे होगा घोड़ा, हॉर्स। उसके हॉर्स को उसमें उकेरा जाता था, उसकी नक्काशी की जाती थी, ना कि उसमें हाथी की नक्काशी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है? पुस्तकों की पहचान करिए और बताने का प्रयास करें वह कौन सी पुस्तक है जिसको अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसमें स्टूडेंट आईन एक बरी और रुकात, ये दोनों पुस्तकें जो है अबुल फजल ने लिखा था, यानी कि 1 और 3 बोथ आर करेक्ट। लेकिन तबाकत ये अकबरी जो स्टूडेंट, ये निजामुद्दीन अकबर ने लिखा था ना। इस पुस्तक के लेखक का नाम है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद, हाँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में अहदफ को संदर्भित करता है किसको? अहदफ इट्स रेफर्स टू, इट इज यूज्ड टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए इसका प्रयोग करते थे? बहुत तरह के ऐसे शब्द है। इसका प्रयोग होता था सज्जन सैनिक जिन्हें आम सैनिकों की तुलना में कुछ अधिक वेतन प्राप्त होता था, है ना। जो ऐसे सैनिक होंगे जो सज्जन होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, हाँ, या जिन्हें ज्यादा सैलरी मिलता था, ज्यादा सैलरी जाहिर सी बात है अच्छे सैनिकों को मिलेगा। तो सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है? सही कथन की पहचान करिए। फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक बनाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, जोधाबाई पैलेस है, पंचमहल है,
एंड इस प्रकार से हम लोग इसमें करेंगे 2, 3 और 4 इज राइट। लेकिन अकबर का मकबरा जो है इस सिकंदर ने बनवाया था, सिकंदर जो उन्होंने बनवाया था, और ये आगरा में स्थित है। ये मकबरा है अकबर को जहां पे दफनाया गया है। बहुत बेहतर। हाँ, तुजुक ए बाबरी, बाबर नामक पुस्तक के बारे में बताइए। यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा को दिया गया नाम है। इसकी पहली बार अंग्रेजी अनुवाद जॉन लैडन और विलियम एस्किन ने किया है। यह फारसी भाषा में लिखा गया था। ऑटोबायोग्राफी है बाबर का, इसके बारे में बताने की सही उत्तर क्या है। बहुत बेहतर, पहला और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। तीसरा जो उसमें फारसी भाषा नहीं था बल्कि ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, और तुर्की में भी कौन सा उसमें, तो एक वहां का लोकल लैंग्वेज है तुर्की का जिसको बोलते हैं चगताई, चगताई तुर्की भाषा का नाम है, तुर्क वो भाषा है और वो समुदाय भी वही कहलाते थे ना, उसी भाषा में उन्होंने लिखा था बाबर में से। निम्नलिखित में से किसने अपने संस्मरण स्वयं लिखे हैं, अपनी आत्मकथा को अपने जीवन के बारे में किसने खुद ही लिखा है, अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, या फिर किसने अपनी आत्मकथा लिखने वाला, अपनी आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति कौन है। इसमें केवल एक ही शासक है जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, वो है जहांगीर, और जहांगीर ने लिखा है जहांगीर नामा, तुजुक ए जहांगीरी, यही है ना उसकी पुस्तक। तुजुक ए जहांगीरी और बाकी लोगों की अलग अलग रचनाएं, जैसे हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने लिखा है, रिटन बाय इन्हीं ने लिखा ना, हाँ उनकी बेटी है हुमायूं की बेटी, उन्होंने लिखा था इसे, गुलबदन बेगम। और अकबर की जो रचना है उसमें अकबर नाम, इनकी जो रचना है अकबर नामा, देखो अकबर नामा बेसिकली है ही नहीं। हाँ, सबसे पहली बात अकबर ने अपनी कोई नहीं, अकबर नामा उन्होंने लिखा लेकिन उसकी जीवनी नहीं है, अबुल फजल ने लिखा है लेकिन इसकी ये कोई जीवनी नहीं है, अकबर की कोई मेमोयर नहीं लिखा हुआ है। हाँ, इसकी आत्मकथा को कोई लिखे ये नहीं हुआ है। सी इज राइट आंसर, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के शिलालेख इलाहाबाद के प्रसिद्ध प्रस्तर स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं थे, सवाल को समझना। हाँ, भारतीय राजा के शिलालेख इलाहाबाद के प्रसिद्ध प्रस्तर स्तंभ में किस उत्कीर्ण नहीं थे, किस राजा का शिलालेख, वह शासक जिसका वहां पे उल्लेखित नहीं है, वह है औरंगजेब, बाकी सबके वहां पे समुद्रगुप्त, जहांगीर और अशोक। सूफी संत को जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह के प्रयास के लिए मौत के घाट उतार दिया था, उसका नाम क्या है, वह सूफी संत जिसको जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के जो फाउंडर थे, उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, वो थे सिद्दी मौला, एंड इज ऑब्वियसली राइट आंसर। दहशाला व्यवस्था किसके द्वारा सुधारों पर आधारित था, अकबर के समय में लागू किया गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बनाया था, टोडरमल भूमि सुधार प्रणाली में शामिल था। रजिया सुल्तान के खिलाफ संगठित विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने के लिए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जलालुद्दीन आकूत ने, अल्तुनिया ने, जैनुद्दीन ने, उलुग खान।
बहुत अच्छा स्टूडेंट, निजाम उल जुनैदी इज राइट आंसर। हाँ, रजिया को, रजिया के खिलाफ जो संगठित विद्रोह का नेतृत्व किया था वो जुनैदी थे। सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे सवाल होगा, मध्यकाल में कई शासकों ने नई मुद्रा का प्रचलन किया था, इस संबंध में कौन सा कथन गलत है? शेर शाह ने रुपया नाम का एक नया सिक्का जारी किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक, इसमें से स्टूडेंट एक केवल जो कथन है वो बिल्कुल गलत है और इसमें से उत्तर की पहचान करेंगे तो इसमें स्टूडेंट औरंगजेब ने सिखों पर कलीमा और इस्लामिक फेथ आर्टिकल सिखा था, ये सब नहीं करा था उसने। औरंगजेब जो था स्टूडेंट ये कुछ नहीं करते थे, सिखों को लेकर के बड़े स्पष्ट थे, सिखों पे स्टूडेंट जो शासक था उसका नाम उस पे कर मतलब लिखना था और वर्ष लिखना था कि किस वर्ष उस सिक्के को ढाला जा रहा है, बनाया जा रहा है। औरंगजेब वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। मराठा साम्राज्य में राजस्व के लिए भूमि की माप की इकाई के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? मराठा साम्राज्य देखो उसमें प्रयोग करते थे इसमें काठी का, हाँ काठी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। आगे सवाल है, निम्नलिखित स्मारक, निम्नलिखित में से कौन से स्मारक मुगलों से संबंधित है? मुगलों से संबंधित स्मारक को पहचानिए। अब इसमें कुछ ऐसे स्मारक भी है जो इसका संबंध मुगल से नहीं है, तो उस पर जरा ध्यान से, मुगलों से संबंधित स्मारक कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा फ्रेंड, बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद, ये दोनों का संबंध है मुगलों से, वन एंड फोर बोथ आर करेक्ट। हाँ, और बाकी जो इसमें दिख रहा है फ्रेंड ये सारी चीजें जो है ये राजी सल्तनत के समय में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें से एक जो है अलाई दरवाजा है ना, इसका निर्माण उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसमें इसका निर्माण किया गया था उसमें, और बुलंद दरवाजा ऑब्वियसली इसमें कौन बच गया, पुराना किला ना, इसको किसने बनवाया था? इट वॉज बिल्ड बाय शेर शाह सूरी, सूरी वंश का शासक। तो सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, भारत में मध्ययुगीन काल के संबंध में मकतब खाना संदर्भित करता है, ये क्या है मकतब खाना? अनुवाद ब्यूरो है, धार्मिक कार्यालय, सिक्का ढलाई प्रेस या पुस्तकालय? से उत्तर की पहचान करिए। मध्ययुगीन काल के संबंध में मकतब खाना क्या होता था उसमें? ये ट्रांसलेशन ब्यूरो होता था, भाषाओं का अनुवाद करता। टोल साम्राज्य के बारे में कथनों पर विचार करेंगे, पहला दूसरा सेंटेंस पढ़िए और सही उत्तर की पहचान करिए। चोल राजा बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म के संरक्षक हुआ करते थे, बिल्कुल सही है। चोल राजा विशेष रूप से भगवान शिव के कट्टर भक्त थे, चोल राजा जो थे वो शिव के कट्टर भक्त थे। हाँ, इस बारे में अलग अलग जानकारियां हैं, जिसमें से शिव के साथ साथ उसमें वो विष्णु की भी पूजा करते थे, तो ये कहना कि वो केवल शिव के कट्टर भक्त गलत हो जाए, एंड ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फोर्ट आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण था? फोर्ट एंग्लो मैसूर वार का मुख्य वजह क्या था? उसमें मुख्य वजह था उसमें कि अंत में टीपू की शक्ति को नष्ट करने के लिए मैसूर पर अंग्रेजों का आक्रमण, इसी उद्देश्य के साथ फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, चौथा युद्ध हुआ था।
मेगास्थनीज द्वारा पहली बार गहरे दक्षिण भारतीय पांड्य साम्राज्य का उल्लेख किया गया था। उन्होंने बताया था पांड्य साम्राज्य क्या था, लोगों की एक समिति द्वारा शासित था, मोती के लिए जाना जाता है। पांड्य साम्राज्य के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है? फ्रेंड इसमें केवल दूसरा सेंटेंस सही है, लोगों की एक समिति द्वारा शासित था नहीं, यह महिलाओं द्वारा शासित था। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं महिलाओं द्वारा शासित था, केवल दूसरा सेंटेंस सही है। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारतीय समाज की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग जातियों और समुदाय में बटे हुए थे। हिंदुओं के गुलामों की तुलना में मुसलमानों के गुलामों की स्थिति बेहतर थी। आमतौर पर मुसलमान मांसाहारी होते थे, सूफी संत लोगों को मांस खाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। दिल्ली सल्तनत के समय अधिक भारतीय समाज के बारे में विशेषताओं की पहचान करिए। इसमें वन एंड टू बोथ आर करेक्ट है, पहला और दूसरा सेंटेंस पूरी तरह से सही है, तीसरा सेंटेंस जो टोटल इनकरेक्ट है, कोई किसी को उकसाता नहीं था मांस खाने के। मुगल साम्राज्य के अधीन मनसबदार व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मूल रूप से फारस से उधार लिया गया था, मनसबदार व्यवस्था सिस्टम को वहां से सीखा गया था। मनसबदार साम्राज्य में कहीं भी सेवा के लिए उत्तरदायी था। मनसबदारों के प्रत्येक ग्रेड में वेतन की एक निश्चित दर होती थी। मनसबदारों को केवल नकद भुगतान दिया जाता था। बताइए कि इसमें कौन सा कथन जो है मनसबदारों के संदर्भ में सही है? नगद वेतन जो था ये पॉइंट गलत है, उन्हें भूमि दिया जाता था एंड उसके भी प्रावधान थे। तो वन टू थ्री सही है, चौथा सेंटेंस गलत हो जाएगा। भारत में गुप्त युग के संबंध में कथनों पर विचार करो। इस युग में लिखे गए नाटकों के उच्च और निम्न वर्गों के पात्र एक ही भाषा में नहीं बोलते थे, मतलब अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। प्राकृत गुप्तों की दरबारी भाषा हुआ करती थी। दो निचले वर्णों की महिलाओं को उच्च वर्णों की तुलना में काफी स्वतंत्रता थी। सही कथन की पहचान करिए। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में उनके इसके बारे में पूछा जा रहा है, सही कथन क्या है? आज हम लोग किसी क्लास में पढ़ रहे थे कि गुप्त दरबार में भाषा का जो प्रयोग होता था, जब 5 बजे अकेडमी वाले क्लास में ना, वहां पे हम लोग पढ़े थे कि संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, ना कि इन भाषाओं का। तो इसमें दो सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्राकृत भाषा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 5 लेक्चर कंप्लीट है और हम लोग आज इसमें 100 क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य के संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने अपने शिष्यों को तपस्वी जीवन जीने की शिक्षा दी थी। यह भगवान की पूजा के तरीके के रूप में भक्ति गीत गाने और नृत्य करने में विश्वास करता था। इसने उपवास और आत्मदाह का विरोध किया था। वल्लभाचार्य संप्रदाय के बारे में सही कथन क्या है? इसमें सही कथन क्या है? तो दोनों सेंटेंस सही है, 2 और 3। पहला सेंटेंस गलत है। तपस्वी जीवन जीने की वो शिक्षा नहीं देते थे, डिसिप्लिन जीवन जीने की शिक्षा देते थे। वो कहते थे कि जीवन जो है वो डिसिप्लिन में होना चाहिए, नहीं कि तपस्वी जीवन होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन होता था? अमर नायक किसे कहते थे? अमर नायक उसमें सैन्य कमांडरों को क्षेत्र में किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर और अन्य बकाया वसूल करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे, वो होते थे मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे ना। वो वर गिवन द टेरिटरी टू कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स इन एरिया।
भारत में मुगल शासन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करिए। भारत में मुगल जो थे उनके शासन के बारे में, इसने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, इट इज राइट ऑब्वियसली, 1526 से लेकर के इसमें औरंगजेब की मृत्यु तक तो ये पूरे पावर में थे ना, 1707 ईस्वी तक लगभग औरंगजेब जब डेथ किया था तब तक। भारत ट्रांस एशियन व्यापार में अधिक हिस्सा ले सकता था उस समय मध्य एशियाई देशों का। भारत में पहली बार बारूद का जो प्रयोग है स्टूडेंट वो मुगलों के आने से पहले ही शुरू हो गया था। हाँ, पहले से किया जाता था मुगल के आने से पहले। इसमें से केवल हम लोग दो सेंटेंस सही कर पा रहे हैं। मुगल जब आए थे भारत उससे पहले बारूद का प्रयोग इंडिया में होता था, विशेष रूप से 1707 ईस्वी के बाद भारत में रियासतों के स्वतः स्फूर्त उदय हुए निम्नलिखित कारणों से। बोले ना 1707 के बाद भारत में बहुत सारा छोटा छोटा राज्य उदय हुआ था, क्या वजह था? मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था, इस कारण से राज्य उदय हो रहे थे। औरंगजेब के बाद कमजोर मुगल नेतृत्व, इस वजह से हो रहा था, या प्रणाली के भीतर गुटबाजी, इस वजह से हो रहा था। यूरोपीय लोगों द्वारा लगातार हमलों से राजनीतिक ताकत को कमजोर कर दिया गया, जिससे भारतीय क्षेत्रों का विघटन हो रहा था। तीन कारण अप्रोक्त में से तीनों सही है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में तकावफ का अर्थ क्या होता था? मध्यकालीन भारत के बारे में द वर्ड तकावफ स्टैंड फॉर कृषि में सहायता के लिए दिया गया ऋण, उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको पहचानिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, शेख फरीदुद्दीन गंज, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और उसमें दरगाह स्थल को मैच कराना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। कौन सा सही सही से इसमें मैच नहीं करते हैं? इसमें से आपने बताना है कि सही कथन कौन सा नहीं है। अच्छा सॉरी, माफी चाहूंगा, हाँ सही कथन कौन सा ये चुनना है ना स्टूडेंट, तो इसमें से स्टूडेंट एक ही केवल सही है। बार बार सोच रहा हूँ ये कैसे, इट इज ऑल ऑब्वियसली राइट। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा स्टूडेंट दरगाह है ये राजस्थान अजमेर में स्थित है, बाकी सारे जानकारी जो दी गई वो गलत है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? मुगलों की जो चित्रकला है उसकी मुख्य विशेषताओं को पहचानिए। धर्म निरपेक्ष, लोक परंपरा, कुलीन, भौतिकवादी या फिर अपरोक्त में से कोई नहीं। उसमें किन चीजों को दिखाया गया है? उसमें धर्म निरपेक्ष है, कुलीन भी है, भौतिकवादी भी है। कल भी हम लोग ये सवाल किए थे, लोक परंपरा जो है फोक ट्रेडिशंस उसको नहीं दिखाया गया है, स्थानीय कला को नहीं दिखाया गया। एंड बी इज ऑब्वियसली राइट आंसर। कथनों पर विचार करें, प्रारंभिक राष्ट्रकूट शासक पल्लव वंश के अंतर्गत सामंती थे। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम ने कन्नड़ भाषा में एक पुस्तक कवि राजमार्ग लिखा था वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए। राष्ट्रकूटों ने सिंध के अरबों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे, इसमें सही कथन क्या है? इसमें से सही कथन क्या है ये बताना है।
इसमें से दो सेंटेंस बिल्कुल सही है, टू एंड थ्री, यानी कि बी इज राइट आंसर। बट पहला सेंटेंस जो कि राजपूत शासक पल्लव वंश के अंतर्गत आते थे, गलत हो जाएगा, ये चालुक्य वंश के अंतर्गत आते थे ना, तो वो सेंटेंस सही होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जैन भिक्षु महेंद्र सूरी ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, दरबार में यंत्र राजा की रचना की थी जो एस्ट्रोलाब पर हमला संस्कृत पाठ है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को सीधी मदद देकर अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाने के लिए दीवान ए कोही नामक कृषि का नया विभाग स्थापित किया था। बताइए सही कथन क्या है इस बारे में। विच ऑफ द अबव इज एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस? इसमें दूसरा सेंटेंस सही है, हाँ पहला सेंटेंस जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक, ए गलत हो जाएगा। जैन भिक्षु महेंद्र सूरी और बाकी सारा इंफॉर्मेशन सही है, ये फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय में यह घटना सही घटी थी, बाकी सारे पॉइंट्स सही है। इल्तुतमिस के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने अपने साम्राज्य के मनसबों में विभाजित किया और रईसों और अधिकारियों को वेतन के रूप में सौंपा। चांदी की कम उपलब्धता के जवाब में उसने उत्तरी भारत में टंका और जीतल से मिलकर एक नई द्विधात्विक सिक्का को शुरू किया था। इल्तुतमिस के बारे में बताइए क्या सही है। इसमें केवल दूसरा सेंटेंस सही है, पहला गलत है। उसने अपने साम्राज्य को मनसब में नहीं विभाजित किया था, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य को उसमें इक्ता में विभाजित किया था। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत जो है वो इल्तुतमिस से है, है ना, इल्तुतमिस इक्तादारी व्यवस्था। चलिए अभी हम लोगों ने इसमें 90 प्रश्न कर लिया है, अब हम लोग 10 सवाल और देख लेंगे जल्दी से। सूफी आंदोलन के बारे में कथनों पर विचार करो। इसने दिल्ली सल्तनत के शोषक और क्रूर शासकों के विरुद्ध लोगों का समर्थन किया था। इसने सामाजिक अस्थिरता और विकास में योगदान दिया है। इसने स्थानीय साहित्य और भक्ति संगीत के विकास में योगदान दिया है। सूफी आंदोलन के बारे में सही कथन को पहचानिए। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट पेयर रिगार्डिंग सूफी मूवमेंट? इसमें केवल दो सेंटेंस सही है, हाँ टू एंड थ्री आर करेक्ट, और दिल्ली सल्तनत के शोषक को ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे, सेंटेंस गलत हो जाएगा, इनका ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, फसाद हो गया भाई सूफी आंदोलनकारियों को। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन के बारे में बताओ। यह अनिवार्य रूप से इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसने पश्चिमी शिक्षा का अपनाकर इस्लाम को पुनर्जीवित करने की वकालत की थी। यह पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित था। इसमें यह आंदोलन जो है तो पूरे भारत में विस्तृत था, और पूरे भारत में खास करके जैसे मुंबई, हैदराबाद इत्यादि, मद्रास आदि शहरों में, मद्रास तक ये फेमस था। हाँ तो सही उत्तर हम लोग करेंगे कि ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल गलत है, पश्चिमी शिक्षा को अपना करके इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो इसमें केवल और केवल एक सेंटेंस सही है, वो है पहला सेंटेंस, बाकी दोनों गलत हैं। मुगलों के अधीन भारत में साहित्यिक गतिविधियों के संबंध में कथनों पर विचार करें। मुगल बादशाहों ने मध्यकालीन हिंदी को ब्रज रूप में संरक्षण दिया था। हिंदुओं ने फारसी साहित्य के विकास में योगदान दिया था। मुगलों के अधीन साहित्य के बारे में कई सही कथन क्या है? वो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही लिखे गए हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल है,
संगीत के विरुद्ध औरंगजेब की प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पता होगा कि औरंगजेब ऐसा था उसने जिसने बहुत सारी चीजें बंद करवा दी थी अपने साथ, है ना, तो उसमें से कौन सी कथन है जो गलत है, मतलब ऐसा उन्होंने नहीं किया था। पहला, उन्होंने गायन को अपने दरबार में भगा दिया था, बिल्कुल सही है। वे एक कुशल वीणा वादक थे, ये बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन औरंगजेब वीणा के बहुत अच्छे वादक थे ना, बिल्कुल, यह भी बिल्कुल सही है। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें उसके शासन काल में लिखी गई है, भी कथन सही है। उन्होंने संगीत वाद्य यंत्र बजाना बंद कर दिया, ऐसा नहीं था, वो संगीत वाद्य यंत्र जो था वो बजाते थे, उसको उन्होंने कॉन्टिन्यू रखा। 812वीं ईस्वी के दौरान भारत के व्यापार और वाणिज्य के बारे में गलत कथन क्या है? 800 से 1200 ईस्वी के बीच में क्या हमारे यहां सही कथन है, उसको पहचानिए। देश के भीतर लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आई थी, तो ये गलत नहीं है, ये सही कथन है। चांदी की मुद्रा बंगाल में चलती थी, दक्षिण भारत में सोना बहुत आया था। नमक समुद्री यात्रा पर प्रतिबंध का भारतीय द्वारा सख्ती से पालन किया गया था, ये कथन जो है इसमें टोटली गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना, ये कभी बैन नहीं रहा था ट्रेवलर के लिए। आगे सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कट्टर और कानून व्यवस्था का पतन हो गया। भारत में मुगल साम्राज्य के मलबे पर पली बढ़ी देशी रियासतों ने लगातार धर्म निरपेक्ष नीति का पालन किया, दूसरा सेंटेंस पूरी तरह से सही है। कोई भी स्वदेशी राज्य भारत के 17वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुई आर्थिक संकट को रोक नहीं सका, भारत बहुत पहले से गरीब होना स्टार्ट हो गया था, कंटिन्यू आज भी इसी तरह से चलता। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही लिखे गए हैं, पहला सेंटेंस बिल्कुल गलत है कि मुगल साम्राज्य के बाद एक कट्टर और कानून व्यवस्था का पतन हुआ, ऐसा नहीं, भारत में उसके बाद अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे काफी बेहतर ढंग से शासन करने लगे। दिल्ली सल्तनत के संबंध में कथनों पर विचार करें। गजनवी विभाग के समय हिंदू घुड़सवार सेना और पैदल सैनिक कार्यरत थे। बलबन पहला सुल्तान था जिसने एक अलग आरीज सेना विभाग स्थापित किया था। बलबन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नकद भुगतान देना शुरू किया था। इसमें से सही क्या है दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में, इसमें तीसरा सेंटेंस होगा। हाँ, ये नहीं समझना, दो बार दो दो लिखा गया तो क्या हो गया। इसमें से आपको स्पष्ट जानकारी कि ये दो सेंटेंस तो पूरी तरह से सही है, पहला दूसरा, लेकिन बलबन नकद वेतन नहीं शुरू किया था, नकद वेतन देने की शुरुआत जो थी इसमें असल में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, है ना, तो सही उत्तर हो जाएगा, बोथ वन एंड टू बोथ आर करेक्ट। 800 से 1200 AD के बारे में दक्षिण पूर्व एशिया के संपर्क में भारत में सही उत्तर क्या? अभी ये प्रश्न शायद आपने बनाया है और इसको आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। 800 से 1200 AD के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताना कि सही कथन क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों ने भारत और बाहरी दुनिया के वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संपर्कों के बीच में एक प्रकार से एक सेतु का काम किया था, इट इज राइट। ये राज्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गहराइयों को उच्च क्रम में लेकर के जाती थी, ये भी गलत है, दोनों सेंटेंस गलत है ऊपर में। तीसरा सेंटेंस जो इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा जा रहा है कि गलत क्या है, तो गलत इसमें दोनों है, पहला और दूसरा सेंटेंस, बोथ वन एंड ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार और वाणिज्य के मामलों को संभालने और बाजार नियंत्रण के लिए अपना नीति लागू किया था, एक नए विभाग को उन्होंने स्थापित किया था। सवाल है कि खिलजी ने जो नया विभाग बाजार नियंत्रण के लिए स्थापित किया था उसका नाम क्या था? जल्दी से देखेंगे अस्टेंट, उन्होंने इसके लिए जो विभाग स्थापित किया था उसका नाम था दीवान ए रियासत, ये बाजार नियंत्रण के लिए था। ओके, और बाकी के बारे में भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे
इश्तियाक जो होता था उसमें बेसिकली पेंशन जो दिया जाता था सैनिकों को उसके लिए था, दीवान ये सियासत जो हुआ करता था उसमें, ये इंटेलिजेंस विभाग था उसमें, तो क्या बोलेंगे इंटेलिजेंस विभाग हुआ करता था ये, और मुस्तक राज जो था ये एक क्षेत्रीय विभाग था। आगे सवाल है, दिल्ली सल्तनत के अधीन राज्य की प्रकृति इस्लामी थी जिसका अर्थ क्या था? सुल्तानों ने इस्लामी कानून का खुलेआम उल्लंघन नहीं होने दिया, सुल्तानों ने राज्य की नीति निर्धारित करने के लिए मुस्लिम देवज्ञों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया, मुस्लिम धर्मगुरु नियुक्ति लाभदायक कार्यालय थे। सही कथन क्या है? केवल एक, दोनों या सही की पहचान करिए। दिल्ली सल्तनत के बारे में इनमें से सही क्या है? इसमें से एक और तीन, ये दोनों सेंटेंस सही है। हाँ, दूसरा सेंटेंस जो ये टोटली गलत है। सुल्तानों ने राज्य की नीति निर्धारित करने के लिए मुस्लिम देवज्ञों को पर्याप्त अवसर दिया था, ऐसा नहीं था। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो उलेमा थे उनसे ज्यादा सलाह लेते थे क्या? ऐसा नहीं था, वो खुद ही पॉलिसी मेकिंग का काम करते। तो ये हमारा जो था 100 क्वेश्चन का जो जर्नी था उसमें लगभग पूरा हुआ अब यहाँ पे। और हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो क्लास है ऑब्वियसली साइंस की क्लास है जिसमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक चैप्टर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, 100 क्वेश्चंस हमारा डन है और मैं यूं गया यूं आया। तुरंत वापस सभी लोग जुड़िएगा और कोशिश करिएगा, जाहिर सी बात है कि साइंस में केमिस्ट्री के सेक्शन में कंटिन्यू रहिए। हाँ, बाकी कुछ कुछ चीजें नया भी लेकर के आ रहा हूँ जिसमें से कुछ बेहतरीन कुछ अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप उसे बहुत सराहोगे। थोड़ा सा समय में और चाहिए। हाँ, 10 PM अपडेट्स लेकर के आ रहा हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, एक बहुत ही अच्छी तैयारी, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में आऊंगा। तो क्या है, किस प्रकार से इसमें हम लोग काम करेंगे आने वाले समय में दिखेगा। बस आप लोग अभी बने रहिए, जमे रहिए। अभी से नहीं स्टार्ट हो रहा, मतलब लगेंगे कुछ समय, और कब स्टार्ट होगा मैं आपको डे टू डे बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। ठीक 10 मिनट के अंदर 10:20 से साइंस की क्लास होगी, 10:20 से। हाँ, तो कहीं नहीं जाना है, वापस से जल्दी से जुड़ते हैं। थैंक्स टू बिग दिस सेशन। टेक